पहले हमने अपने कॉलेज के बारे में विजिट कर चुका है कि यहाँ पे क्या सिस्टम है, कैसा सब कुछ है। इस टाइम बी फार्मा और डी फार्मा का एडमिशन चालू होने वाला है, तो काउंसलिंग प्रोसेस कैसे, क्या कौन सी प्रोसेस है, डायरेक्ट फीस कितनी है, उसके बाद काउंसलिंग सीट कितनी है, क्या है, सब कुछ आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी हरिश्चंद पीजी कॉलेज 52 बीघा कैंपस आजमगढ़ रोड वाराणसी, ये हमारा कॉलेज है। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे कॉलेज में टोटल 100 सीटें हैं और यहाँ पे एडमिशन प्रोसेस 200 है, काउंसलिंग से भी प्रोसेस है और डायरेक्ट सीटों की संख्या 10 है और जिसमें काउंसलिंग सीटों की संख्या है 100। अगर काउंसलिंग से सीटें जो बचती हैं उसमें डायरेक्ट वालों को एडमिशन दिया जाता है, वो भी कॉलेज कंडक्ट करवाता है। एडमिशन जो प्रोसेस बाई काउंसलिंग फीस उसकी 75,000 रुपये प्लस 8,000 एग्ज़ाम फीस, टोटल मिला के 83,000 रुपये हो गए। और उसके बाद डी फार्मा में हम लोग के डी फार्मा में सीट है 60 सीट अप्रॉक्स, उसकी फीस जो है 65,000 रुपये है और प्लस एग्ज़ाम फीस अलग से। और बी फार्मा में अगर सीट खाली रहती है, काउंसलिंग से 100 सीटें होती हैं, अगर काउंसलिंग में सीटें बचती हैं तो आपको डायरेक्ट एडमिशन दिया जाएगा। जैसा कि इस बार की तरह 10 सीटें खाली गई थी, 90 लोगों का काउंसलिंग हुआ था, 10 सीट खाली थी, तो उस पर जो है कि डायरेक्ट एडमिशन किया गया था, वो भी कॉलेज अपना खुद का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है। और फिर डायरेक्ट आइए या तो काउंसलिंग से आइए, दोनों का प्रोसेस फीस सेम है, 75,000 रुपये प्लस 8,000 एग्ज़ाम फीस, और जो डायरेक्ट एडमिशन लेता है उसका 1,000 रुपये एग्ज़ाम फीस, 1,000 फॉर्म फीस अलग से लगता है। और यहाँ पे प्लेसमेंट, जैसा कि प्लेसमेंट में अगर आपको पास अच्छी जानकारी हो सकती है तो यहाँ पर कंपनियाँ अभी विजिट तो नहीं कर रही हैं, फ्यूचर में देखा जाएगा। बाकी अब प्लेसमेंट सुविधा भी उपलब्ध नहीं है और ना ही इसमें हॉस्टल सुविधा उपलब्ध नहीं है। बगल में रूम है, आप लोग ले सकते हैं, उधर का रेंट है 2,250 जैसा रूम वैसा रेंट। बाकी फर्स्ट यहाँ पे जो फीसें लगती है पूरी 75,000 रुपये है, और उसके बाद फर्स्ट मतलब कि जब आप फर्स्ट ईयर में आएंगे तो फीस आपको पूरा 75,000 रुपये पे करना पड़ेगा एक ही साथ। वो डिपेंड करता है कि आपका कितना पहुँच कॉलेज से है, और उसके बाद जब सेकेंड ईयर में जाएंगे तो आपका 75,000 रुपये मेन टू सेमेस्टर में जमा होगा, फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर, तो सेमेस्टर वाइज जमा होता है। फर्स्ट सेमेस्टर आपका 35,000 लगेगा, सेकेंड सेमेस्टर में आपका 40,000 रुपये लगेगा, इस तरह से 75,000 रुपये जमा हो जाते हैं। और स्कॉलरशिप की सुविधा उपलब्ध है, स्कॉलरशिप यहाँ पे लगभग अगर आपका सब कुछ सिस्टम हो जाता है तो 32,000 रुपये स्कॉलरशिप आ जाती है, लगभग 32 से 35,000, SC का 35,000 रुपये तक आ जाता है। और जब भी आप जाइए काउंसलिंग कराने, तो वहाँ पे एक सबसे बहुत महत्वपूर्ण जानकारी को देने जा रहे हैं, नोट कर लीजिए, FW सीट होता है, जिसका नाम होता है फीस वीवर सीट। फीस वीवर के बारे में ये है कि आपका जो फीस रहता है वहाँ पे ट्यूशन फीस पूरी माफ़ हो जाती है, आपका सिर्फ लगेगा हमारे कॉलेज की फीस। जैसा कि हमको पता है 75,000 रुपये टोटली फीस है, तो यहाँ पे FW पर सीट आपके 25,000 में एडमिशन होगा, उसके बाद एग्जाम फीस अलग से। और इस FW की सीट पे चाहे जहाँ भी लेंगे पूरे UP कॉलेज में, हर एक कॉलेज में लगभग उपलब्ध होता है, लेकिन यह प्रोसेस सब कॉलेज वाले किसी को नहीं बताते हैं। जो एडमिशन प्रोसेस लेता है या जो बीत चुका होता है, जिसके साथ हो चुका है घटना, वही जान सकता है। और इसके बाद यहाँ पे 25,000 रुपये आपका फीस लगेगा, 8,000 एग्जाम फीस लगेगा, लेकिन इसमें आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। वैसे भी देखा जाए तो बी फार्मा में आज 2-3 सालों से स्कॉलरशिप की लगभग नो चांस आ रही है। इस बार तो AKTU ने साफ साफ कर दिया कि स्कॉलरशिप का फंड ही नहीं है किसी के पास। और बाकी जब काउंसलिंग प्रोसेस कराया जाइए तो यहाँ पे आता है, पहले जब आप काउंसलिंग कराने जाएंगे तो 20,000 रुपये आपको पहले जमा करना पड़ेगा। 20,000 जब आप जमा कर देंगे तो आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसके बाद आपका पर राउंड आपको कॉलेज मिलेगा। अगर आप काउंसलिंग प्रक्रिया से एडमिशन ले रहे हैं, आप सिर्फ एग्ज़ाम फॉर्म डाल के या CUET का आपने एग्ज़ाम दिया है, तो किसी भी प्राइवेट कॉलेज में आपका एडमिशन हो जाएगा, भले ही चाहे पाँच नंबर पाए हों चाहे 150 नंबर लाए हों, डायरेक्ट में आपका एडमिशन हो जाएगा। ये ना डरिए कि हमारा नंबर कम आएगा तो हमारा एडमिशन नहीं हो पाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। सिर्फ आप एग्ज़ाम में बैठे तो आपका एडमिशन हो जाएगा। जब आप 20,000 रुपये दे के पार्टिसिपेट करेंगे तो पर राउंड आपका 5,000 रुपये कटता है। मीन जब आप जैसे कि आप 20,000 जमा कर दिए, आप एडमिशन नहीं लेना चाहते इस ईयर, तो आपका 20,000 से आपको सिर्फ 15,000 रिफंड होगा, वो भी गारंटी नहीं है कि फंड होगा। इसलिए काउंसलिंग से अगर आप आ रहे हैं तो बहुत ही सोच समझ कर लीजिए, और कॉलेज बहुत ही सोच समझ कर चूज कीजिए। जैसा कि अभी पूरे वाराणसी में सबसे सस्ता कॉलेज फीस दे रहा है हमारा कॉलेज, जिसकी फ़ीस है 75,000 रुपये प्लस 8,000 एग्ज़ाम फीस। और उसके बाद अदर कॉलेज के पीछे देखा जाए तो है वाराणसी में कई कॉलेज है जो कि अभी डिमांड कर रहे हैं 1,20,000 के समथिंग। और बाकी आप अगर आप आ रहे हैं हमारे कॉलेज पे विजिट करने की कॉलेज में मतलब कि कितनी फ़ीस है, तो वहाँ पे चाहे टीचर के द्वारा बताया जाए चाहे स्टूडेंट के द्वारा, सिर्फ आपको एक ही बात बोला जाएगा कि आप काउंसलिंग से आइए आ रहे हैं। तो ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पर आप कमेंट कर सकते हैं, जैसा कि रिप्लाई आप देखेंगे सबका दिया जा रहा है। बाकी फुल डिटेल के लिए इंस्टाग्राम ID है molu.7171।
आप इसमें SMS कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं, आपको सब जानकारी दी जाएगी, वो भी पूरा एकदम क्लियर जो भी होगा। बाकी जैसा कि आप देख सकते हैं ये है प्रोसेस, बाकी डिटेल में आप देख सकते हैं जो भी सब कुछ लिखा गया है, एक बार नोट कर लीजिएगा अपने हिसाब से। बाकी जब भी आप एडमिशन लेने आइए तो हमसे ज़रूर मिल लीजिए। हमारा नाम आदित्य यादव और हम लोग इस साल बी फार्म सेकेंड ईयर में हैं, तो आप हमसे मिल सकते हैं या डायरेक्ट हमारे DM में इंस्टाग्राम ID में आप मैसेज कर सकते हैं, उसके बाद मिल सकते हैं। आपकी जो भी हेल्प होगा हमसे किया जाएगा। बाकी इसी तरह हमारे चैनल को प्यार और दुलार देते रहिए। आप लोगों का सहृदय धन्यवाद।